सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने देखा था रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ केस वन में हमने ये देखा था कि जब आप कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हो तो उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर घट जाता है। लेकिन वही अगर कोई वोलाटाइल सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, दोनों की वजह से होता है। इसलिए केस वन में हमने सिर्फ पीए डिनोट किया था, केस टू में पी डिनोट किया था, ठीक है। तो ये सब बातें थी मेरे रॉल्स लॉ की, ठीक है। अब जो आज हम जो जाने वाले हैं ये एडवांस का मान के चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। एडवांस में अक्सर इस पे क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आते भी हैं, ठीक है। तो हम केस टू देख के चलेंगे, ठीक है। केस अब स्पेशल केस है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसे हम बोलते हैं रॉल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ, कि भैया कब रॉल्ट्स लॉ यूज करना और कब डाल्टन्स लॉ यूज करना, ठीक है। तो आपको पता है जहां वेपर आया तो वेपर के केस में ही सिर्फ क्या लगा सकते हैं, हम डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं। तो थोड़ा आपको मैं इसको क्लियर पिक्चर में समझाता हूं। जैसे सपोज करो ये कोई कंटेनर है मेरा, ठीक है। यहां पे आपने क्या लिया, कोई लिक्विड ए लिया, क्या लिया, लिक्विड, लेटर पे लिक्विड ए नहीं, आप सॉल्यूशन लेते हैं, चलो क्योंकि बात सॉल्यूशन की चल रही है तो सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन लिया ए और बी का, ठीक है। तो सरफेस पे क्या होंगे, ए और बी दोनों होंगे बेटा इस केस में, है ना, ए और बी दोनों होंगे। मुझे पता है इसका पी नॉट ए और पी नॉट बी आपको हमेशा क्या रहता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो इसके यहाँ पे वेपर भी बनेंगे, ए और बी दोनों के क्या बनेंगे, वेपर भी बनेंगे। अब मैंने आपको कल बताया था कि कल या परसों जिस क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई हम जो एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस यूज करते हैं दो लिक्विड को अलग करने का, वो इसलिए यूज करते हैं, वो तभी एप्लीकेबल होता है कि जब दो लिक्विड का वॉलेटिलिटी नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो और बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे हालांकि आज के लेक्चर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कवर करेंगे, आखिर कैसे दो लिक्विड को हम अलग करते हैं। उसका इसलिए होता है कि मान लो जैसे कोई स्पिरिट बनाने वाली कंपनी है, अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है, और उसमें गलती से कोई लिक्विड गलती से जला गया, तो ऑब्वियस बात है वो इंडस्ट्री का वो रॉ मटेरियल का पैसा नुकसान है। तो मान लो कोई गलती से लिक्विड चला गया और उसको मुझे अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो याद करो यहाँ पे जो हम रॉल्स लॉ पढ़ते थे, रॉल्स लॉ क्या कहता था, रॉल्स लॉ ये कहता था भाई किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन के लिक्विड फेज में कितना, बात समझ ध्यान से कि लिक्विड फेज में कितना है। तो यहाँ पे जो हम एक्स ए और एक्स बी लेते थे, एक्स ए क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, किसमें, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन उसका कितना होगा। और एक्स बी मतलब क्या हो जाता है, एक्स बी मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। आई बात समझ में। तो अब ऑब्वियस बात है भाई सॉल्यूशन है तो इसका वेपर भी बनेगा इक्विलिब्रियम में, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो वेपर बना है उस वेपर में, उस वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि यहाँ का और यहाँ का वेपर प्रेशर, वेपर ये जो होगा मोल फ्रैक्शन सेम होगा, तो वो गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो बेटा एक्स ए जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अगर मैं ये तो हम रॉल्स लॉ में लगाते हैं, डाल्टन्स लॉ क्योंकि डाल्टन्स लॉ सिर्फ गैसेस के लिए लगता है और ये ऊपर में मेरा सिर्फ गैस है, तो मैं बोल रहा हूँ वाई ए बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। और वाई बी बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो हमेशा जब भी पूरे चैप्टर में, पूरे सॉल्यूशन में आपको यही पॉइंट याद रखना है कि कभी भी किसी, अगर मैं लिक्विड फेज की बात करूँ तो मोल फ्रैक्शन एक्स होता है, और अगर मैं वेपर फेज की बात करूँगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, वाई होता है, ठीक है। बैक क्या है ना, क्या समझाना चाहते हैं, देखो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू आपके हाथ में होती है, कैसे भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दो सॉल्यूशन में कितना कितना कौन सा पार्ट ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ भाई ए को मैं 0.5 लूंगा, बी को 0.5 लूंगा, तो भी मेरा सॉल्यूशन बनेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ए को मैं लिक्विड फेज में उसका मोल्स ले रहा हूँ, मैं मान लो 0.7 मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ, और
बी ले रहा हूँ 0.3, तो जो भी दो आप मिक्स करोगे वो आपके हाथ में, तो मतलब ये टोटली डिपेंड करता है आपके हाथ में कि आप कितना इनको बनाना चाहते हो। लेकिन क्या ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पीनोट है और पीनोट बी पे डिपेंड करता है। भाई जिसका वोलेटिलिटी नेचर ज़्यादा होगा, ऑब्वियस होता है वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, तो कितना होगा वो सिर्फ और सिर्फ पीनोट है पीनोट बी डिसाइड करता है। ठीक है, आई बात यहाँ समझ में? ठीक है, मुझे पता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टोटल प्रेशर हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल प्रेशर डिफाइन करते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ डेल्टन्स लॉ की, तो थोड़ा ध्यान से समझाओ। डेल्टन्स लॉ क्या कहता है? डेल्टन्स लॉ कहता है भाई सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द टोटल गैस। ये होता है मेरा बेसिक वर्जन। बट एडवांस वर्जन क्या होता था डेल्टन्स लॉ का, कि पार्शियल प्रेशर जो होता था वो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता था, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है, बराबर। अगर मैं बात करूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब क्यों? क्योंकि डेल्टन्स लॉ है, डेल्टन्स लॉ सिर्फ गैस पे लगता है, इसलिए यहाँ हम एक्स से नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे वाई है, और इनटू टोटल प्रेशर पी। ठीक है, ये वाला टोटल प्रेशर पी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी लिख सकता हूँ। पी बी क्या होगा? वाई बी इंटू पी हो जाएगा मेरा। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो वाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाई ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए बाय पी। वाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ए बाय पी। अब पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी ए को लिख सकता हूँ पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाय पी। आई बात समझ में? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और वाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी ए बाय पी। और रॉल्स लॉ क्या? पी बी बाय पी। तो रॉल्स लॉ क्या करेंगे, मैं इसको क्या लिखूंगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी बाय पी। तो ये मेरा वाई बी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इनको इसके टर्म में लिखना चाहूँ, तो जैसे मैं अगर मैं यहाँ से वैल्यू एक्स ए की वैल्यू निकालूँ, तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी? वाई ए इंटू टोटल प्रेशर बाय पी नॉट ए। और यहाँ से मैं एक्स बी को इसके टर्म में लिखना चाहूँ, वेपर फेस के टर्म में, तो वाई बी इंटू पी बाय पी नॉट बी। चाहे इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट लिखो, दैट चॉइस इज योर। बट एक मुझे इक्वेशन बनाना था पहले, इसलिए मैंने एक्स और एक्स बी की वैल्यू निकाल ली। मुझे पता है किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एक्स ए की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? वाई ए इंटू पी बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी बाय पी नॉट बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो और दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ? पी कॉमन ले रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 1 बाय पी बराबर क्या हो जाएगा? वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी। तो अगर आपको टोटल प्रेशर निकालने बोले या वेपर प्रेशर निकालने बोले, तो उसका एक और फॉर्मूला मेरे पास बनता है, 1 बाय पी इज इक्वल टू वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो। आप तक यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई होगी वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़े ग्राफ्स की इसके बात कर लूँ मैं। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, तो याद करो वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर बस पी का, अगर मैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स ए, यहाँ पे एक्स ए मेरा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। तो इसका जो ग्राफ होता था वो याद करो पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में लाइक करता था, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता था मेरा। ये मेरा ग्राफ किसका था? वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और वो मोल फ्रैक्शन कौन सा? मेरा लिक्विड फेज की। लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूँ, किस ग्राफ की? मैं अगर ग्राफ की बात कर रहा हूँ वेपर प्रेशर पी वर्सेस मान लो वाई ए की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं वाई ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वाई ए की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, तो वही सेम चीज़ है पी नॉट बी वर्सेस पी नॉट ए। अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूँ सेम केस, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। तो जब तक आपका चैप्टर चलते रहेगा आपको यही मान के चलना कि ए और ए मेरा ज़्यादा वोलाटाइल है बी से। तो अब यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा? जैसे सपोज करो अगर मैंने किया, अगर वाई ए 0 है तो वाई बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 1 होगी। और वाई ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो वाई बी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो वाई ए अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 1 बाय पी नॉट बी। तो मतलब ये ग्राफ कुछ यहाँ से चालू होगा, और जब वाई ए की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो देखो पी और वाई ए क्या है? मेरा इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होकर ये कैसा शो करता है?
कर्व नेचर शो करता है। कैसे शो करता है? कर्व नेचर। आई बात समझ में? तो आई होप सो ये आपको ग्राफिकल पोर्शन समझ में आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ग्राफ भी पूछ लेते हैं, जैसे मैंने बोला 1/p वर्सेस 1y है, 1/p वर्सेस y है। अब यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी कैसे हो जाएंगी? देखो 1/p एज इट इज आपके लिए y हो गया, ऐसे इस ग्राफ को ऐसे मैं कर देता हूँ 1/p इज इक्वल टू 1/p0a इंटू वाई ए प्लस 1/p0b इंटू वाई बी। अब मेरा इक्वेशन है वाई ए के रिस्पेक्ट में 1/p का, तो ये तो एज इट इज वाई हुआ, ये एम एक्स प्लस सी। तो अब आपको 1/p0a और 1/p0b इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? 1/p0 क्योंकि आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाई प्लस है। उधर क्या था कि इधर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिया था पी और 1/a, तो इसलिए मैंने p0b और p0a को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, अब ऐसे समझो वाई p0a की वैल्यू ज्यादा थी तो 1/p0a की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मतलब 1/p0a कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि p0b छोटा था तो 1/p0b क्या वैल्यू होगी? बड़ी होगी, तो 1/p0b कुछ यहाँ पे आएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन रहेगा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। तो आई होप सो ये आपको ग्राफिकल, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट, तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है? अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन आपको हर बुक में ऑलमोस्ट मिलेंगे मिलेंगे, और मेरे नज़र में वो क्वेश्चन बेहतरीन है। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ प्लीज़ पहले आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन 1/xa वर्सेस 1/ya, ठीक है? ग्राफ आपको बताना है, इवन तो आपको इसका स्लोप आल्सो कैलकुलेट स्लोप इसको रिवर्स ही कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ, ठीक है? तो 1/x से बराबर जो हो जाएगा p0a, अच्छा एक मिनट, मेरा जो इक्वेशन था वो क्या था? वाई ए p0a इंटू एक्स ए, हाँ वाई ए बराबर होता था p0a इंटू एक्स ए बाई पी, सॉरी। तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ मैं, इस इक्वेशन को, तो 1/ya बराबर क्या होता था? 1/p0a p/p0a इंटू 1/xa, ठीक है? तो ये इधर मैं ले जा रहा हूँ, ये इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये कैसा आ जाएगा ग्राफ? 1/xa क्या हो जाएगा? p0a/p इंटू 1/ya। और कोई बच्चा अगर ये बोल रहा है ये ग्राफ है और सर स्लोप p0a/p है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ ये है, यहाँ पे सोच आपकी बहुत गलत है। क्यों गलत है? देखो y इक्वल टू mx वाले ग्राफ में वेरिएबल क्या होता है? y और x वेरिएबल होता है, बट यहाँ पे ये और ये वेरिएबल और साथ में ये भी वेरिएबल है, तो ऑब्वियस बात है आपको इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तब क्या कर सकते हैं इसमें? देखो 1/xa इज इक्वल टू p0a बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? p0b प्लस p0a माइनस p0b इंटू xa इंटू 1/ya, ठीक है? मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? p0b
प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए बाय पी नॉट ए इंटू वन बाय एक्स ए, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू वन बाय वाई ए, ठीक है। इसको अलग अलग कर दो, वन बाई एक्स तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो पी नॉट बी बाय पी नॉट ए इंटू वन बाय एक्स ए प्लस वन बाय एक्स ए कैंसिल हो जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू वन बाय वाई ए, बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इधर वाले वन बाई एक्स वर्सेस वन बाई वाई का ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी बाय पी नॉट ए इंटू वन बाई एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाई वाई ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाय पी नॉट ए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिवर्स ले रहा हूँ, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कर दे रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया, नेगेटिव वाला आगे ले गया और पॉजिटिव वाला पीछे ले गया हूँ, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेके इन दोनों में से, तो पी नॉट ए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन वन मान लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। आपको इस इक्वेशन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑब्वियस ही बात है ये पी नॉट ए बाय पी नॉट बी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर वन बाय एक्स बचेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए बाय पी नॉट बी इंटू वन बाय वाई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। जब मल्टीप्लाई करूँ तो पी नॉट ए क्या कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, पी नॉट बी। तो दिस इज योर एग्जैक्ट इक्वेशन। तो अगर इस ग्राफ का स्लोप बोलेगा तो स्लोप हो जाएगा पी नॉट ए बाय पी नॉट बी, और इंटरसेप्ट हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बाय पी नॉट बी। तो अगर इसका ग्राफ की एग्जैक्ट की बात करूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, वन बाय एक्स ए वर्सेस वन बाय वाई ए। तो ये ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ बनेगा। इज दैट क्लियर, आई होप्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलता है इस ग्राफ में, एक ऐसा ग्राफ भी आता है जो आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, मोल फ्रैक्शन का। तो आपको याद होगा अगर मैंने लिक्विड के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था, स्ट्रेट लाइन आया था पी नॉट ए और पी नॉट के बी के बीच में, और अगर मैंने वेपर के लिए ड्रॉ किया था तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था, याद है, एक कर्व नेचर का था ये। तो मतलब ये वाला लाइन लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके मतलब इनके बीच वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड और वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड और वेपर को। अब यहाँ पे पॉइंट समझो, अगर मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ ए से और मैं इस तरीके से नीचे आते जा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे आते जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे नीचे आऊँगा मैं, बाई इंक्रीज डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। तो जब मैं लिक्विड में था, वेपर मतलब प्रेशर को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं, तो ये पॉइंट आपको बताना, पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट सी क्या होगा, पॉइंट डी क्या होगा और पॉइंट ई क्या होगा। देखो जब मैं लिक्विड के लाइन के ऊपर था तो मतलब पॉइंट ए आपका क्या है, पॉइंट ए है कि आप कंप्लीटली किस फेज में हो, लिक्विड फेज में हो, किस फेज में हो, लिक्विड फेज। अब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे एक्सपेंशन करते जा रहे हो, तो जैसे ही आप इस प्रेशर पे आओगे, मतलब जैसे ही आप इस प्रेशर पे आओगे तो आप क्या किस जोन में आ रहे हो, लिक्विड और वेपर जोन में आने वाले। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहां से बबल बन, मतलब यहां से गैस बनना चालू होगा बट बना नहीं है। मतलब इस केस में पॉइंट बी पे आते ही आपका, आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका पहला ड्रॉप वेपर का बनेगा। मतलब आप क्या करो, एक्सपेंशन करते जा रहे हो, एक्सपेंशन करते जा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है, याद करो जो मैंने आपको उस दिन कराया था, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकली भी समझा रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं ऐसा। तो जैसे ही आप पॉइंट बी पे आओगे, तो पॉइंट बी पे आओगे तो उसमें क्या होगा, पॉइंट बी पे आते ही आपका पहला ड्रॉप वेपर का बना बट पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इस केस को हम बोलते हैं बबल पॉइंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट बी को हम क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट बी को हम बबल पॉइंट बोलेंगे। और जैसे ही हम पॉइंट सी में आए तो ऑब्वियस बात है, आधा से ज्यादा लिक्विड क्या हो चुका है, मेरा वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, तो इस केस में आपका क्या होगा, पॉइंट सी पे क्या होगा,
सिग्निफिकेंट अमाउंट में लिक्विड भी मिलेगा और आपको वेपर भी मिलेगा। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे एक्सपेंशन करते जा रहे हो वैसे वैसे लिक्विड क्या हो रहा है वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो जैसे ही आप पॉइंट डी पे आओगे तो पॉइंट डी आपके लिए क्या होगा, अब आप यहाँ ये ऑब्जर्व करोगे भाई ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो चुका है वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट डी पे आपका क्या बनेगा, ड्यू पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, ड्यू पॉइंट बनेगा। और जैसे ही आप पॉइंट ई पे आओगे इसका मतलब आप कंप्लीटली वेपर फेज में आ चुके हो, ठीक है। जैसे मैं इस बात करूं तो पॉइंट बी पे आपका प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पॉइंट डी पे आपका प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन इन दोनों के बीच तक प्रेशर हम मान के चलते एज्यूम करते कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। आई बात समझ सबको, तो इज दैट क्लियर? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, जो आपका ये चैप्टर कंटेन करता है और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था ना कि एक मिनट जस्ट होल्ड करना, ठीक है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, वो आता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्यों यूज किया जाता है, तो एक्चुअली इसलिए यूज किया जाता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जैसे जो भी अल्कोहल वगैरह बनाती है, स्पिरिट वगैरह बनाती है, वट एवर जो भी लिक्विड सॉल्यूशन तैयार करती है, मान लो उसमें ह्यूमन एरर ऐसा आ गया कि गलती से कोई अगर लिक्विड मिक्स हो गया। अब आप बोलोगे सर सॉलिड मिक्स हो गया तब अलग करो, तो वो मैंने आपको पहले बोला वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अलग करना। लेकिन अगर हम कोई लिक्विड गलती से मिक्स कर दिए और उसमें, और मैं बोल रहा हूँ भाई इन दोनों को सेपरेट करो, तो बस एक ही आपके पास उपाय बचता है, वो है डिफ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की बस दो कंडीशन होती है भाई, आप उन्हीं दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए और दोनों डिफरेंट वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, मान लो एक का ज़्यादा और एक का कम है, तो जो कम वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले ही बॉयल हो जाएगा, मतलब पहले ही वेपर में चला जाएगा। तो इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, क्योंकि कम टेम्परेचर में वो ज़्यादा वेपर बना सकता है। या ऐसे समझ लो जिसका वोलाटाइल नेचर ज़्यादा है वो उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, तो उसको जितना वेपर ज़्यादा बनेगा आप उसको क्या करोगे, कंडेंस करोगे। तो जितना वेपर कंडेंस हुआ तो जो वेपर बना मेरा उस और उसको जो कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड बना, उस लिक्विड में उसी 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 का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा जो वोलाटाइल नेचर का ज़्यादा होगा। आई होप सो शायद मुझे लग रहा है आपको इस बोलने पर शायद समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसा ड्रॉ करके बताऊँ, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपका, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन, ठीक है। तो मान लो जैसे ये मेरा कोई कंटेनर है,
देखो यहाँ पे मैं दो ही चैम्बर दिखा रहा हूँ, मैं ज़्यादा चैम्बर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये होता है कंडेंसर, यहाँ पे एक ऐसा वाला मैं कोई डिवाइस ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है ये गैस को कन्वर्ट करता है लिक्विड के अंदर, ठीक है, कन्वर्ट्स गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड पे कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे भी मैं कंडेंसर लगा देता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, जैसे सपोज करो आपने कोई सॉल्यूशन लिया ए और बी का, ए और बी का आपने सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन आपने लिया तो ऑब्वियस बात है आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू तो आपको क्या होगी, पता होगी या गिवन रहता है। आप देखो कोई भी लैब में आप जाते हो और कोई भी लिक्विड आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है, कोई भी आप लिक्विड प्रिपेयर करते हो तो उसका वेपर प्रेशर आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है और आपको पता रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। जब आप इनका सॉल्यूशन बनाया तो एक्स ए और एक्स बी आपको क्या है, पता है, जो कि लिक्विड फेज में इनका मोल फ्रैक्शन आपको लिक्विड फेज में ये भी आपको पता है। आप क्या करो, धीरे धीरे इसको वेपराइज कर रहे हो। ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वाई ए भी यहाँ पे बन चुका है और वाई बी भी बन चुका है, दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, मतलब कुछ वेपर बने, उस वेपर में वाई ए का मतलब ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में वो वाई ए होगा और बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो वाई बी होगा। तो जैसे ही ये वेपर फ्री स्पेस मिलता है तो ये जैसे जाएगा कंडेंसर को पास करेगा, तो जैसे कंडेंसर को पास करता तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्ट हो जाता है? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जितना का जितना ये वेपर बनेगा इस सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का वेपर जैसे ही कंडेंसर से पास करेगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होते थे, आपको पहला कंडेंस्ड लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा? दिस इज लिक्विड आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन। कितना? पहले कंडेंसेशन के, पहले कंडेंसर से गुजर के जो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन, या इसको हम फर्स्ट कंडेंसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्स्ट कंडेंसेट। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में फर्स्ट कंडेंसेट या सेकेंड कंडेंसेट दिया रहे तो उसको कंफ्यूज मत करिए आप, ठीक है। अब समझो बात को, अगर यहाँ पे वाई ए है और वाई बी है और इतना ही वेपर क्या हुआ है, ऐसे मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ आपको समझ में। मान लो ए और बी है वेपर का, ए और बी है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई ए है और वाई बी है, मतलब वाई ए मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज और वाई बी क्या है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। भाई इतना सारा का सारा वेपर क्या क्या ऊपर गया पाइप के थ्रू कंडेंसर से पास किया और जितना वेपर बना उतना का उतना पूरा ये किस में कन्वर्ट हो चुका, लिक्विड में। अब मैं पूछूं यहाँ पे जो एक्स डैश ए होगा और वो एक्स डैश बी होगा वो क्या होगा, बराबर। तो अब क्योंकि यहाँ पे तो ये तो लिक्विड बना, अब इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जो होगा ए और बी का लिक्विड फेज में उसको तो हम एक्स से एक्स भी तो नहीं बोल सकते बेटा, क्यों? क्योंकि वो तो ये तो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ये क्या है आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है और यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है वो वेपर को कंडेंस करने के बाद मिल रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इसके अंदर एक्स डैश ए और एक्स डैश बी की वैल्यू क्या होती है, तो ऑब्वियस बात है भाई जो भी वाई ए और वाई बी होगा, भाई जो भी वेपर फेज होगा वाई मतलब जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा ए का वेपर फेज में उतना ही तो अमाउंट यहाँ पे लिक्विड बना होगा ना, मतलब जितना भी वेपर बना उस सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मैं बोलूं एक्स डैश ए क्या होगा, भाई एक्स डैश से आपका प्रैक्टिकली वाई ए के बराबर होगा और एक्स डैश बी आपका प्रैक्टिकली वाई बी के बराबर है, क्योंकि जितना अमाउंट वेपर था उतना ही अमाउंट लिक्विड कंडेंस हुआ है। तो प्रैक्टिकली अगर आपको एक्स डैश और एक्स डैश बी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाई जो भी ये होगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से आता है? प्रॉब्लम जब इसका वेपर बनता है तो यहाँ पे जो वाई डैश ए और वाई डैश बी बनेगा वो आप कैसे निकालोगे? तो वेरी सिंपल, आपने एक्स डैश ए और एक्स डैश बी निकाला तो पहले आप इसमें गए, फिर आप निकाल लो पी टोटल पी नॉट ए डॉट एक्स डैश ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स डैश बी, और जैसे ही आप ये निकालोगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करो पी वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय P not B, मतलब y dash A, y dash B। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना, पहले आपको लिक्विड का ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या निकालना,
वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर उतने ही वेपर को आपने कंडेंस किया, तो वो आपको किस में पता चला भाई, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन आपको पता चल गया। और जैसे आपको लिक्विड फेज का मोल प्रेशर पता चल गया तो आपको टोटल प्रेशर पता चल गया, टोटल प्रेशर पता चल गया तो आप ये बता सकते हो कि भाई कि मोल फ्रैक्शन मतलब जो होगा मेरा आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट जो वेपर फेज में जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो ये आप ऑब्जर्व करना, अगर ए मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि पी नॉट ए जो है मेरा पी नॉट बी से बड़ा है, तो याद रखना वाई डैश ए एनी हाउ वाई डैश बी से ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ये वैल्यू पहले भी वाई बी से बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाती है, ये और कम हो जाता है, ये और ज्यादा हो जाता है। अगेन ये क्या होगा, फिर से लिक्विड क्या होगा, फिर से ये गैस होगा, पास करेगा यहाँ से कंडेंसर से पास करे तो अगेन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन जैसा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे लिक्विड मिलेगा, ये जो लिक्विड को बोलते हैं लिक्विड आफ्टर सेकेंड कंडेंसेशन, आफ्टर सेकेंड कंडेंसेशन, आफ्टर सेकेंड कंडेंसेशन, इसका मतलब ये होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड कंडेंसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, सेकेंड कंडेंसेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम एक्स डैश ए और x डैश बी बोलेंगे, मतलब प्रैक्टिकली x डैश से कितना बना, कितना होगा भाई, जितना वेपर यहां बना होगा उतना ही तो वेपर यहां पे कंडेंस हुआ है, तो x डैश डबल ए किसके बराबर होगा, y डैश ए के, और x डैश डबल बी किसके बराबर होगा, y डैश बी के। अब यहां पे जो वेपर होगा y डैश y डबल डैश ए और y डबल डैश बी, अगेन आप किससे निकालोगे, पहले रॉल्स लॉ से प्रेशर निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर से ये फॉर्मूला लगा के y डबल डैश ए y डबल डैश बी, और आप जब देखोगे कि y डबल डैश ए जो है वो और बढ़ चुका है y डबल डैश बी से, ऐसे ही तीसरा कंडेंसेट करोगे तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, फाइनली एक समय आएगा कि ये पूरा का पूरा नेगलेक्ट हो जाता है और सिर्फ आपको जो लास्ट में वेपर मिलता है वो y डैश ए का मिलता है, और फाइनली आप उसको क्या करो, कंडेंस कंडेंसर के थ्रू पास करो तो आपको प्योर लिक्विड मिल जाता है। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आएगा, आपको करना कुछ नहीं है, करना बस आपको इतना है कि भाई ओरिजिनल सॉल्यूशन से आपने क्या निकाला, पहले टोटल प्रेशर निकाल लिया, टोटल प्रेशर से पहले आपको करना भाई पहले रॉल्स लो फिर डाल्टन्स लो, रॉल्स लो डाल्टन्स लो, रॉल्स लो डाल्टन्स लो, आपको इसी पैटर्न पे चलना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना बस इतना सा है कि पहले आपने क्या किया, टोटल प्रेशर निकाला, टोटल प्रेशर से वाई ए और वाई बी निकाला, अब जितना ये वेपर था उतना का उतना ही ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, भाई जितना वेपर है सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका लिक्विड में। अब प्रैक्टिकली बात करो भाई, इस लिक्विड फेज में इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, जितना वेपर फेज में यहां पे ओरिजिनल सॉल्यूशन में जितना वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन था उतना ही लिक्विड फेज में होगा, क्योंकि जो वेपर था वही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जितना अमाउंट अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। अब फर्दर ये वाई डैश है, इसका भी वेपर बनेगा वाई डैश और वाई डैश भी, बस ये होगा और ये भी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। अब यहां का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, यहां के वेपर फेज के बराबर होगा, मतलब यहां पे वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो यहां के लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। फिर से ये होगा, बस आप प्रैक्टिकली ये देखोगे कि हर कंडेंसेशन के बाद वाई ए की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में ट्रिमेंडसली अमाउंट में बढ़ते जाता है, और इस तरीके से हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से क्या करते हैं, अलग करते हैं। आई बात समझ में, आप एक जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे देखो कभी कभी आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हो, x डैश a बाय अगर मैं x डैश b की बात करूं, यहां पे बात कर रहा हूं x डैश a और x डैश b को, क्या लिख सकता हूं मैं, x डैश a को मैं लिख सकता हूं p नॉट a into y a बाय p नॉट b into y b, क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी माय मिस्टेक, क्या बोले जा रहा हूं मैं, ठीक है, x डैश और x डैश b किसके बराबर है, ये बराबर है y a बाय YB के बराबर है, क्योंकि भाई इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जितना वेपर फेज में यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होगा YA बाय YB, और YA बाय YB को मैं क्या लिख सकता हूँ, P नॉट A इंटू एक्स ए बाय P नॉट B इंटू एक्स बी। आप इस तरीके से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, बट क्या होता है कभी कभी इससे आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं, तो जो हमारा बेसिक थीम है वो कभी गलत नहीं हो सकता। आप पहले P टोटल निकालिए P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी से, और फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिए 1 बाई पी वाई ए बाई वाई, तो यहाँ से आप ये निकालोगे, फिर से आप यहाँ पे क्या जाओगे, फिर रॉल्स लॉ डाल्टन्स लॉ,
फिर रॉल्स लॉ डाल्टन्स लॉ, इस तरीके से आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। इसमें कभी कभी आंसर वेरिएशन कर जाता है, तो मैं कभी जनरली आपको अगर क्वेश्चन आसान है, डाटा बहुत इजी दिया हुआ है, तो आप भले इस अगर से चल सको, अगर डाटा थोड़ा सा पॉइंट में लाइक 273.74 दिया हुआ किसी का पी नोट है, या पी नोट भी आपको 294 समथिंग कुछ दिया हुआ है, तो मैं ये बोलूँगा आप हमेशा बेसिक मैथड से चलो, वही ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, अब हम दो चार क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान लो मैंने क्या लिया इसी क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिया 2 लिया है मैंने, और मोल्स ऑफ बी लिया मैंने 3, तो पी नॉट ए की वैल्यू जो है वो है 200 है, और पी नॉट बी की जो वैल्यू है वो है 300 दिया हुआ है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस, इन वेपर फेस, इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उसने क्या बोला, अब इसी के ऊपर हम दो चार क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के। ठीक है, पहले तो ये मैं आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट वेपर फेज, इन फर्स्ट वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट वेपर फेज, इन फर्स्ट कंडेंसेट, फ्रैक्शन इन फर्स्ट वेपर इन फर्स्ट कंडेंसेट, हाँ फर्स्ट कंडेंसेट। देखो फर्स्ट कंडेंसेट की बात की, मतलब सिंपल सी बात है, उसने यहाँ की बात की, मतलब यहाँ पे उसने YAY भी पूछा है वेपर फेस इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, और उसने पूछा भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट वेपर फेस इन फर्स्ट कंडेंसेट, मतलब यहाँ पे उसने मतलब जो भी मेरा YAY भी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उसके बाद जो उसका वेपर बनता है, मतलब YDS और YDSB की वैल्यू पूछे। ठीक है, बहुत आसान है, कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो कुछ नहीं, पहले मैं XA की वैल्यू निकालूंगा तो XA की वैल्यू 2/5 हो जाएगा, और XB की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। अगर मैं टोटल प्रेशर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूं मैं, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाई पी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये तो आपको कभी भी निकालना ही पड़ेगा, इट इज वेरी कंपलसरी। तो 200 इंटू 2/5 प्लस 300 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा प्रेशर जो हो जाएगा 80 प्लस 180, तो ये हो जाएगा आपका 260 mmHg हो जाएगा। ठीक, mmHg में ही है वो, मैंने नहीं लिखा था, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब दो बातें देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आपको वाई और वाई बी निकालना है, तो पहला मेथड तो आप वाई ए बाई वाई बी को कर दो क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाय पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा डाटा आसान है, तो इसमें हो सकता है एग्जैक्ट आंसर आपको आ जाए। ठीक है, तो P नॉट ए इंटू एक्स ए मेरा कितना है, 200 इंटू 2/5 बाय 300 इंटू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/180, मतलब ये कितना हो जाएगा 4/9। तो वाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/13, और वाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/13। आपने इस तरीके से क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, या आप, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि मेरा डाटा आसान दिया हो तो आंसर आपका एग्जैक्ट ही आएगा यहाँ पे। या तो आप इस तरीके से चल सकते हो, ठीक है, या तो आप क्या करोगे भाई, 1/p बराबर क्या हो जाएगा, YA/P0A प्लस YB/P0B, आप इन दोनों से चेक करके देखिए, आंसर ऑलमोस्ट आपका सेम ही आना चाहिए। तो 1/ कितना दिया हुआ मुझे, 260 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना है, वाई ए पी नॉट ए आपको दिया हुआ 200 प्लस 1 - YA डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो यहाँ से भी आप वाई ए कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4/13 ही आएगा, और वाई बी भी आपका कितना आएगा, 9/13। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन उसने क्या बोला भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट वेपर फेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन उसने पूछा है, पहले मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस फॉर्मूले को बहुत कम ही यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप इस मेथड से जाओगे तो इस मेथड से पहले आपने क्या हमेशा क्या निकालो, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर से वाई और वाई बी वाले इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से प्लीज़ मैं हमेशा रिकमेंडेशन आपको यही फॉर्मूला करूँगा, ठीक है, डाटा आसान है तो आप भले ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं। अब यहाँ क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन, आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन क्या होगा, वाई ए की वैल्यू एक्स डैश ए के बराबर हो जाएगी और वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स डैश बी के बराबर, जो हमने यहाँ देखा भी था, इसका मतलब टोटल प्रेशर हो जाएगा 200 इंटू 4/13, हाँ 4/13 प्लस 300 इंटू 9/13, तो यहाँ से आप पी टोटल रिलेटेड भी अल्फा निकाल लोगे, और जैसे 1/अल्फा आया मतलब जो भी पी वैल्यू आएगी तो अब क्या करोगे, वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस 1 वाई ए बाय पी नॉट बी, आई बात समझ में, तो यहाँ पे आप पुट करके क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, ये आपका अभी होमवर्क है, आपको ये कैलकुलेट करके मुझे आंसर भेजना होगा, ठीक है, तो चलो अब आगे कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं अच्छे लेवल के जो जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ ऑलमोस्ट आपका क्या हो चुका हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रॉल्स लॉ फिर आपका। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका बस ड्यूटी ये रहेगा कि आपको वीडियो पॉज करके पहले टाइम देना है, एटलीस्ट ये जो 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको एटलीस्ट आप 20-25 मिनट टाइम दीजिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एंड बी लिक्विड, ए लिक्विड एंड बी लिक्विड मिक्स्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय P टोटल बराबर हो जाएगा 179 एक्स ए प्लस 92 mm ऑफ Hg। उन्होंने क्या किया है, ये टोटल प्रेशर की वैल्यू नहीं दी, उन्होंने इक्वेशन दिया है, ठीक है, अब क्या बोला, इफ 8 मोल ऑफ ए एंड 12 मोल ऑफ बी एंड 12 मोल ऑफ B आर मिक्सड एट 50 डिग्री सेल्सियस आर मिक्सड एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ कंटेनर वन एंड वेपर आर कंप्लीटली completely taken out and was condensed completely completely
completely and was condensed completely in container 2. In container 2 and 50 degrees Celsius and 50 degrees Celsius was maintained. What is the mole fraction of A? What is the mole fraction of A in the vapor phase of second container? देखो ये थोड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, लेकिन बिल्ली में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये तीन ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, बट मान के चलो ये तीन क्वेश्चन आप अगर कम्प्लीटली समझ जाते हो तो ये मान के चलो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन जिसका डेंसिटी आपको दिया हुआ है 0.867 ग्राम पर लीटर, ठीक है, एंड ऑफ लिक्विड टॉलविन, एंड ऑफ लिक्विड टॉलविन जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 0.87 ग्राम पर लीटर, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2750 इंक्रीज बाय फैक्टर 2750 एंड 8750 टाइम्स as it vaporizes at 20 degrees celsius respectively if 2 mole of benzene and 3 mole of toluene and 3 mole of toluene are mixed at 20 degrees Celsius calculate mole fraction calculate mole fraction of benzene in vapor state, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहीं पे, चलो थर्ड क्वेश्चन बाद में करते हैं, ठीक है, मतलब इसके बाद में लिखता हूँ, थोड़ा जगह बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहना क्या चाहता है उसको समझो थोड़ा, ठीक है, कि भैया वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी लिक्विड, मान लो आंसर वन की मैं बात करूँ, आई होप सो मैं मान के चलो आपने अटेंड कर लिया होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, वेपर कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं ए और बी का, आपने क्या किया, दो लिक्विड मिक्स किया ए और बी का, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, जिसके आपने ए के तो कितने लिए 8 मोल लिए और बी के कितने लिए 12 मोल, और इसको टेम्परेचर 50 डिग्री पे मिक्स कर रहे हो, ठीक है। अब इसका जो भी वेपर बन रहा होगा, ठीक है, ये कंटेनर वन की स्टोरी है, ये किसकी स्टोरी है, कंटेनर वन, और ए और बी के मिक्सर का जो भी वेपर बना उसको कंप्लीटली आपने इवोकेट करके कंटेनर 2 में ले आए, कहाँ ले आए, कंटेनर 2 में ले आए, कंटेनर 2 में लाते ही
उसको भी 50 डिग्री पे मेंटेन किया गया, लेकिन इसको लाते ही पहले कंडेंस करवा दिया गया, मतलब इसके जितने भी वेपर होंगे यहाँ के पहले कंटेनर के जो भी वेपर होंगे सारे के सारे किस में हो चुके, कंडेंस हो चुके, और कंडेंस करके हमने कंटेनर टू पे रखा है। एंड फर्दर यहाँ पे बोला है जो भी वाइडस ए बनेगा वो कितना होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या है, पी नोट ए और पी नोट भी नहीं दिया हुआ है, तो जब तक आपको ये नहीं दिया तब तक आप रॉल्स लॉ भी नहीं लगा सकते, डाल्टन्स लॉ भी नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक टोटल प्रेशर का एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है 179x से प्लस 92। तो आपको याद है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन को पी नोट ए पी नोट भी कैसे निकालते हैं। तो अगर एक्स ए की जीरो पुट करोगे तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट बी। तो एक्स ए जीरो पुट करोगे तो पी नोट बी कितना हो जाएगा, 92, और एक्स ए की वैल्यू वन पुट करोगे तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो पी बराबर किसके हो जाएगा, पी नोट ए के। तो मतलब 179 प्लस 92, 9 2 11 के खासे लगे, 9 7 16 और 1 17 घासे लगे, 271 mm of Hg, ठीक है। तो पी नोट ए पी नोट बी आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले आपको निकालना है रॉल्स लॉ, फिर डाल्टन्स लॉ, फिर रॉल्स लॉ, फिर डाल्टन्स लॉ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल प्रेशर निकाल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना, मोल फ्रैक्शन चेंज यहाँ पे कितना, मोल फ्रैक्शन एक्स ए कितना है, 8/20, मतलब कितना आ जाएगा, 4/5। तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 1/5 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 271, और एक्स ए की वैल्यू है 4/5 प्लस पी नॉट बी की वैल्यू है 92 इंटू 1/5, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेपर प्रेशर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब आप इनको देखोगे कैलकुलेट करके, तो मैं आप यहाँ पे आपके लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 163.6 mm Hg। कितना आएगा बेटा, 163.6 mm of Hg। अब कुछ नहीं, रॉल्स लॉ पे डेल्टन्स लॉ, तो 1/p बराबर क्या होगा, YA/P0A प्लस YB/P0B। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, पहले का कंपोजिशन वेपर फेस में निकाल दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/163.6 इज इक्वल टू YA/P0A कितना था मेरा, पी नॉट है 271, और YB कितना है मेरा, YB मतलब मैं 1 - YA करके 92 कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, बस आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से YA की वैल्यू आती है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 0.66, और YB की वैल्यू आती है 0.34। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कि जो एक्स डैश ए होगा वो एक्स डैश ए कितना बनेगा, जितना वेपर, सारा का सारा वेपर है उसने क्या किया, कंडेंस किया। तो मतलब ऑब्वियस से बात है, यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा वेपर का वही कंपोजिशन लिक्विड में भी होगा। तो एक्स डैश ए बराबर YA के बराबर हो जाएगा, मतलब 0.66, और एक्स डैश बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.34। तो अगेन रॉल्स लॉ बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब 271 इंटू 0.66 प्लस 92 इंटू 0.34। तो अगेन जब आप इसमें पुट करोगे तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, 210.14। तो और अगेन आप वैल्यू क्या लगाए, 1/p बराबर YA/271 प्लस 1 - YA/92। तो 210.14 आप पुट करिए, तो यहाँ से आपको Y डैश है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, वाइडर से निकालना था। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे नज़र में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब ये आपको वाइडर्स के और वाइडर्स बी के वैल्यू आपको मुझे कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। व्हाट्सअप कर देना आप मुझे, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, नो इश्यू, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डाटा यहाँ पे क्या बेटा हार्ड है। ठीक है, डाटा क्या है यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, ठीक है। अब हम जो कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन इतना दिया हुआ है, एंड ऑफ लिक्विड टॉल्विन इतना दिया हुआ है डेंसिटी के साथ, और इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2750 एंड 8750 टाइम्स एज इट वेपराइजेस एट 20 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। If 2 मोल ऑफ बेंजीन, तो पहले हम क्वेश्चन यहाँ से करना चालू करते हैं। क्या किया गया भाई, एक कंटेनर लिया मैंने, क्या लिया, एक कंटेनर लिया। कंटेनर में मैंने क्या किया, 2 मोल तो बेंजीन के मिला और 3 मोल मैंने क्या मिला,
टॉल्विन के, और 20 डिग्री सेल्सियस में मैंने क्या किया, मेंटेन किया। और उसने क्या पूछा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मतलब आपको यहाँ पे YB की वैल्यू निकालनी है। देखो अब ये क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का क्यों है, ना ही मैंने आपको पी नॉट भी दिया हुआ है, ना ही मैंने आपको पी नॉट टी दिया, पहली बात। दूसरी बात, ना ही ये ऐसा इक्वेशन है, तो भाई अब निकालेंगे कैसे। तो देखो अच्छा क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे पहले दो लाइन को यूज करना था, ठीक है। जैसे मैं सपोज करो, अगर मेरा कंटेनर 20 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन है, तो मैं ऐसा मान लो लेट एन मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन वेपराइजेस, क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा मान रहा हूं कि एन मोल क्या हो चुका है बेंजीन, एन मोल क्या हो चुका है मेरा, वेपराइज हो चुका है, क्या हो चुका है, वेपराइज हो चुका है, ठीक है। तो अगर मेरा एन मोल लिक्विड बेंजीन वेपराइज किया, तो अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, अगर एन मोल लिक्विड मतलब इस पूरे बेंजीन में दो मोल में से मैं इतना मान रहा हूं एक एन मोल लिक्विड बेंजीन का वेपराइज हुआ, तो एन मोल लिक्विड वेपराइज हुआ, अगर मैं इसको 78 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू एटॉमिक वेट कितना होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेट बोलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, वेट बोला, डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया, बेंजीन का मोलर डेंसिटी क्या है, 0.867। अब ये जो वॉल्यूम मिला आपको, तो ये किसका वॉल्यूम है, वेपर बेंजीन का वॉल्यूम है या लिक्विड बेंजीन का। अरे अल्टीमेट आदमी, अगर ये तुम बोल रहे हो कि लिक्विड बेंजीन वेपर बेंजीन है, तो तुम गधे हो। क्यों गधे हो, अभी मैंने बोला एन मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन, मतलब लिक्विड बेंजीन, क्योंकि डेंसिटी जब आप लिक्विड बेंजीन का यूज कर रहे हो, तो वॉल्यूम भी किसका निकालोगे, लिक्विड बेंजीन का ना। अब लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2750 एज इट वेपराइजेस। तो जैसे ही ये वेपराइज किया, क्या किया, जैसे ही ये वेपराइज किया, तो अब ये क्या होगा भाई, देखो एन मोल वेपराइज कर रहा है, तो एन मोल ही तो यहाँ पे बनेगा, उतना ही मोल तो वेपराइज किया ना, मतलब यहाँ एन मोल लिक्विड बेंजीन का आपने माना कि जो वेपराइज कर रहा है, तो वेपर में उसका मोल कितना होगा, एन ही तो होगा ना, एन से ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा या कुछ और थोड़ी ना हो जाएगा, तो एन मोल मेरा क्या हो रहा है, वेपर में बन रहा है। और कितने टाइम मोलर वॉल्यूम बढ़ गया, 2750 टाइम मोलर वॉल्यूम बढ़ चुका है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ये था और इतने टाइम से वॉल्यूम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब आपको वेपर पता है, तो यूज इक्वल टू पी वी इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपका पी नॉट भी मिलेगा, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो पी नॉट भी मेरा इधर हो जाएगा, वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ा, 2750 इंटू एन इंटू 78 बाय 0.867, मतलब इतने वॉल्यूम का 2750 टाइम वॉल्यूम बढ़ चुका है जब वो उतना मोल वेपराइज किया, कितना मोल, लेट एन मोल, मुझे नहीं पता कितना वेपराइज कर रहा, तो मैं एन ही मान के चल रहा हूँ, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, तो आप देख सकते हो और इज इक्वल टू कितना वेपर में वो मोल कितना बन रहा है, भाई जब एन मोल लिक्विड माना आपने वेपराइज कर रहा है, तो वेपर में भी उसका मोल एन ही होगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना होगा, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटू एन, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर आपका हो जाएगा 293 केल्विन, ठीक है। एन और एन क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू बोलूँ, तो पी नॉट बेंजीन जो होगा, पी नॉट बेंजीन जो होगा वो हो जाएगा आपका 9.7 इंटू 10^-5 atm, इतना मेरा पी नॉट भी आ रहा है। ऐसा ही मैं टॉलविन का भी मान सकता हूँ, भाई वेपर में कितना बन रहा था इसका, वेपर में 8750, लेट एन मोल क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, टॉलविन का मॉलिकुलर वेट होता है 93, और उसके डिवाइड कर दो लिक्विड 0.87, सेम मैथड, एन इंटू 0.0821 इंटू 293, एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो प्योर बेंजीन, प्योर टॉलविन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो आता है 2.57 इंटू 10^-5, 2.57 इंटू 10^-5 ये आया। तो अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूँ, पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी, तो पी नॉट बी आपको कितना दिया हुआ है, पी नॉट बी आपको दिया हुआ है 9.7 इंटू 10^-5,
और मोल फ्रैक्शन कितना है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा लेट इट बी एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी 2/5 और एक्स टी की वैल्यू हो जाएगी 3/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2/5 प्लस 2.57 इंटू 10^-5 डिवाइडेड इंटू क्या हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से जब आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 5.42 10^-5। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है 1/P बराबर क्या होता है YA/P0A + -1S YA/P0YB P0B और P0T। तो बस आप थोड़ा यहाँ पे क्या करो वैल्यू पुट करो, यहाँ से आप क्या निकालोगे, आप वैल्यू निकालोगे YB का। आप प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप प्लीज़ थोड़ा ये कैलकुलेटर यूज़ करिएगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन, जिस अब फिर हम आप क्या करते हैं आज का सेशन ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं अच्छे से समझाने के लिए, बेहतर आपको जितना भी था बेटा एडवांस लेवल का मैंने आपको समझा दिया है। देखो बिना कैलकुलेटर के तो वो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो आप कैलकुलेटर का यूज करके आप ये वैल्यू आप मुझे प्लीज आप बताओगे, ठीक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है द प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर 400 एंड 600 टॉर, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ वेपर ए एंड बी, ए मिक्सचर ऑफ वेपर ए एंड बी, ए मिक्सचर ऑफ वेपर ए एंड बी आर टेकन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ 0.25 आर कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, ठीक है। क्या बोल रहा है कैलकुलेट, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट फॉर्म थर्ड ठीक है थर्ड है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ
फाइंड द कंपोजिशन ऑफ कंडेंसेट हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल प्रेशर when last trace of vapor remains. ठीक है. फिफ्थ है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ट्रेस ऑफ. ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आप ये शायद मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली समझाया था. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली समझाया था, अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब आपको करना कैसे है समझो बात को. ठीक है, अब इसको याद करो हमने ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. तो वहाँ मैंने क्या किया था, वहाँ मैंने लिक्विड लिया था और लिक्विड को एक्सपेंशन कर रहे थे, तो पहले बबल पॉइंट आया था फिर ड्यू पॉइंट आया था. यहाँ पे जस्ट केस उल्टा है. तो यहाँ पे क्या किया भाई, ए और बी का उन्होंने क्या किया, मान लो कोई पिस्टन वाला कोई कंटेनर है, यहाँ पे उन्होंने मिक्सर लिया ए और बी का, लेकिन दिस इज टोटल वेपर. यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेपर है. कॉन्सेप्ट समझते जाओ, क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा. जिसका पी नॉट ए की वैल्यू दिया उन्होंने 400 टॉर्क, ठीक है, और पी नॉट बी की वैल्यू उन्होंने दिया हुआ 600 टॉर्क. ठीक है, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया, दोनों का मिक्सचर लिया वेपर का, जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन है 0.25. ठीक है, मतलब वाई ए दिया हुआ 0.25, तो वाई बी कितना हो जाएगा 0.75. अब ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है. तो ऑब्वियस बात है, कंप्रेशन करने पे गैस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा. तो उन्होंने इस तरीके से कंप्रेस किया कि पहला ड्रॉप लिक्विड क्या हुआ, कंडेंस हुआ, बाकी सारा का सारा क्या है, मेरा वेपर है. अभी भी प्रैक्टिकली क्या है, वेपर है. तो एक बात समझो, यहाँ पे जो भी मेरा होगा, क्या वाई ए में कोई भी चेंजेस आएंगे, क्या वाई के मतलब वाई ए में प्रैक्टिकली कोई चेंज आएगा, नहीं. तो यही आपका जंक्शन मान के चलना कि जब कभी भी बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट पे सडन मोल फ्रैक्शन का चेंज नहीं आता. अभी भी मेजर पोर्शन तो मेरा वेपर ही है, तो वाई स्टिल यहाँ पे वाई ए कितना होगा, अगेन 0.25 होगा, और वाई बी अगेन यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या होगा, 0.75. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगेन प्रेशर निकाल सकते हैं हम, बराबर. तो 1/P बराबर क्या होगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 600. तो यहाँ से वेपर प्रेशर निकाल लोगे. उसने इसका मतलब ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर खत्म होगा, मतलब व्हाट इज फाइंड द टोटल प्रेशर एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट. तो टोटल प्रेशर मेरा निकल गया. पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट, मतलब यहाँ पे जो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू आपको निकालनी है. तो पी जो यहाँ पे लेटेड भी जो भी वैल्यू आई अल्फा, तो इसको आप क्या करोगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब पी नॉट ए अल्फा बराबर क्या करोगे, 400 इंटू एक्स ए प्लस 600 इंटू 1 माइनस एक्स ए. तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकालोगे. ठीक है, तो ये आपका पहला दो क्वेश्चन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है. आप ये मुझे कैलकुलेट करके बताओगे. थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, अगेन उन्होंने कंप्रेस किया. तो अब क्या, प्रेशर करने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड कन्वर्ट हो चुका और अभी भी लेकिन गैस है मेरा. लेकिन उन्होंने कब तक कंप्रेशन किया है, जब तक ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट के सिचुएशन में ना आ जाए. अब बॉइलिंग पॉइंट का सिचुएशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई जब वेपर प्रेशर 760 mm के बराबर हो जाए. यह आपको क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है. उन्होंने क्या बोला, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ कंडेंसेट हुज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इट इज. कंडेंसेट मतलब जो भी आपका लिक्विड कंडेंसेट हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे अगेन क्या कैलकुलेट करना है, एक्स डैश ए
एंड एक्स डैश बी। तो आपको पता है 760 दिया हुआ है, 400 इंटू एक्स डैश ए प्लस 600 इंटू 1 माइनस डबल डैश ए। आई बात समझ में? तो यहाँ से ही आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपने इतना कंप्रेशन कर दिया कि फाइनली जो पोजीशन आ रहा है वो पोजीशन कुछ इस तरीके से आ रहा है कि लास्ट ड्रॉप वेपर का बचा है, लास्ट ड्रॉप वेपर का बचा है, बाकी सारा का सारा क्या हो चुका है, पानी हो चुका है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे जो एक्से का होगा वो एक्से क्या लिखूंगा भाई, जितना वेपर था सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मेरा कंपोजिशन में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये जो जितना भी वेपर था सारा का सारा कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंडेंसेशन हो चुका है। तो एक्से की वैल्यू 0.25 आ जाएगी और XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75। तो हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, P नॉट हो जाएगा 200 इंटू 0.25 और प्लस 200 क्यों लिख रहा हूँ, 400 इंटू 0.25, 600 इंटू 0.75। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये टोटल प्रेशर आ गया मेरा। अब आपको क्या पूछा उसने, यहाँ पे YA और YB की वैल्यू पूछी है। तो आपका जैसे ये आ गया तो आप यहाँ से आप चौथा लास्ट क्वेश्चन कर सकते हो, 1/P बराबर क्या हो जाएगा, YA बाय 400 प्लस 1 माइनस YA बाय 600। तो अब यहाँ से YA YB के कैलकुलेट करिए, ये जो वैल्यू अगर यहाँ पुट करिए यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो आई होप सो मैंने जितने भी एडवांस लेवल तक के जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी न्यूमेरिकल आपको पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, ठीक है, अब आपको कुछ बातें याद रखनी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। ठीक है, वो कुछ बातें क्या है जो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, बेटर यही रहेगा। आफ्टर दैट ये न्यूमेरिकल करने के बाद नोट बना के फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिख लेना है। ठीक है, वो क्या है इधर देख लो नोट करके। पहला, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, mixture of two volatile liquid is separated। ठीक है, सेकेंड क्या है, it is applicable for ideal solution and applicable only for those liquid mixture which have different volatile nature that is different। ये मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ जो मैंने आपको बोला था, बस उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे, different boiling point। तीसरा हो जाएगा, vapor phase will always be richer, vapor phase will always be richer in the component, for that component, which is more volatile। ठीक है, तो चलो आई बात समझ में। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको कॉन्सेप्ट जो होगा वो कवर हो चुका होगा। कल से जो हम पॉइंट करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो सारे के सारे थ्योरेटिकल है। और इसके बाद हम जो अपना हमारा आधा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा और ऑलमोस्ट आपका ये पाँचवा लेक्चर है, तो मान के चलो 10 आगे के 5 लेक्चर में आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ नरेंद्र अवस्थी बनाते रहिए। ठीक है, तो आगे चीज़ें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।